सब लोग मिलके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे, कम से कम 1,00,000 लोगों के यहां पे 1,00,000 लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20,000-25,000 लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1,00,000 कैमरे चालू हो जाएंगे, 1,00,000 कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब 1,00,000 टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे, 1,00,000 टीवी कैमरे लाइव चालू। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों 11 मई आज 11 जून है, आज से एक महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच,
उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में, और उसके 8 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के, देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता, मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा, अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी, अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के पर खच्चे उड़ा दिए, प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा, जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया मैं पिछले दिनों, पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप यह मत समझना आप अकेले हो, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे दोस्तों। और मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला यह मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने सातों एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने सातों एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम।
मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना, आपसे देश तो संभल नहीं रहा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाल। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। पूरे देश का रेलवे में मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक टेस्ट करके देखना, कोई सेकेंड क्लास एसी थर्ड एसी सेकेंड क्लास की टिकट खरीद ले, सेकेंड क्लास स्लीपर की, एक बारी रेल में जाके देखो इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया, पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा, केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है, देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल, मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया, फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी मैंने, बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया, पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया, पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4-4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में गरीबों के हाथ में, आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा।
अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल में गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले, एक स्कूल। 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है? तो अब मोदी जी ने तय किया, मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्तों। आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली के लोगों के ऊपर ये अध्यादेश थोपा जा रहा है। आपने पिछली बार 7 MP को वोट दिया था, कहां है वो सातों के सातों? अपने घर में दुबक के बैठे हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है। आपको कल को बताती है तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं होंगे दोस्तों। और अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा
गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था। बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था। घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था वो। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया। अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए राजा को, बोले जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा की खूब चमची मारी उन्होंने नोट। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए। पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में। और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई। चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो महामारी रुकेगी। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके दोस्त थे, एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए।
राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी, राजा ने खदाने बेच दी। उस राजा, उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा कर। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। सारे देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवता मिलके शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी, शिवजी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोगों क्या कर रहे हो, उठो खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ, भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और एक साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का, समाज का और देश का बहुत भला होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें, इसे समझ सकें। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि
कि 2000 का रो नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है। कपिल सिब्बल साहब एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी एक वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही, आप लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस वेबसाइट पे जाके इसको लॉगिन करें, रजिस्टर करें और हम सब लोगों को मिलके अपने महान देश भारत देश के लिए काम करना है। भारत माता की। सभी साथी राष्ट्रगान।